शासकीय मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल को 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी, जिन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई बड़े नेता शामिल हुए थे। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेडिकल कॉलेज के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने मेडिकल की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेडिकल का स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा नाम है। मेडिकल बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए जाना जा रहा है। उन्होंने आगे मेडिकल की स्थापना में योगदान देने वाले लोगों को भी याद किया है। इसी समय उन्होंने कोविड काल को याद करते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों के योगदान की भी बात कही। उन्होंने ऑर्गन डोनर क्षेत्र पर चिंता जताते हुए कहा कि ऑर्गन डोनर क्षेत्र में काम होना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस वक्त डॉक्टर्स को देश की संपत्ति बताया। सज्जन, इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। ये प्रतिष्ठित संस्थान पिछले 75 वर्ष से हेल्थ केयर, एजुकेशन और रिसर्च में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। इसके लिए मैं सभी पूर्व और वर्तमान शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सराहना करती हूँ। इस अवसर पर मैं इस कॉलेज की स्थापना में योगदान देने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल A.N. वॉश, डॉक्टर जीवराज मेहता, कर्नल K.B. कुकड़े जैसी विभूतियों का भी सादर स्मरण करती हूँ। GMC नागपुर वर्ष 1947 से ही ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स लाल्स तैयार करता रहा है, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे खुशी है कि इस कॉलेज के पूर्व विद्यार्थियों ने समाज के अनेक क्षेत्रों में अपना छाप छोड़ी है। उनके कार्य के लिए उन्हें पद्म पुरस्कार, डॉक्टर B.C. रॉय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर प्रकाश आमटे को समाज सेवा के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुआ है। नागपुर महाराष्ट्र का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र है। इस प्रसिद्ध में GMC नागपुर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आज इस संस्थान में न केवल 20 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई हो रही है। वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेडिकल के कार्यकाल को याद करते हुए अपना जन्म इसी मेडिकल में होने की बात की है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, वैद्यकीय शिक्षा मंत्री आदरणीय हसन मुश्रीफ जी, हमारे GMC के डीन डॉक्टर राज गजबीय जी, उपस्थित सभी मान्यवर अतिथिगण, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले हमारे GMC नागपुर के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में आदरणीय राष्ट्रपति जी नागपुर आई है, इसका निमंत्रण मैंने उनको दिया था और उन्होंने आज इस कार्यक्रम में आकर हम सब का उत्साह बढ़ाया है। मैं नागपुर का सांसद होने के नाते उनको हार्दिक स्वागत करता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नागपुर ये विश्वविख्यात है, उसमें से 0 माइल देश का नागपुर में है। नागपुर को ऑरेंज सिटी के रूप में भी जाना जाता है। और तीसरी विशेषता नागपुर की है वो कि नागपुर से 2.5 से 3 घंटे के डिस्टेंस पर 350 टाइगर्स है, जिसके कारण नागपुर को अब टाइगर कैपिटल भी कहने लगे हैं। पर इन 3 विशेषताओं के साथ जो चौथी बात जो है, जो विश्व में नागपुर को प्रसिद्ध किया है जिसने, वो है नागपुर का मेडिकल कॉलेज। इस वक्त राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार की ओर से मेडिकल के विकास के लिए दिए गए योगदान को बताया। द्रौपदी मुर्मू जी, परमादरणीय राज्यपाल जी, हम सभी के लाडले नेता श्री नितिन गडकरी जी, श्री हसन मुशरिफ जी, हमारे डीन डॉक्टर राज गजबीय जी, यहाँ पर उपस्थित
सभी महानुभाव, विशेष रूप से यहाँ पधारी हुई जीएमसी नागपुर की सारी एलुमनाई फैटर्निटी, हमारे सभी विद्यार्थी, प्राध्यापक, सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं जीएमसी नागपुर के इस प्लैटिनम जुबली समारोह में उद्घाटक के रूप में पधारी हुई भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का महाराष्ट्र सरकार की ओर से और जीएमसी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। यहां बैठे हुए कई लोगों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। मेडिकल को 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। मेडिकल तब से आज तक कई राज्यों के लोगों को स्वास्थ्य सेवा दे रहा है, मगर जिस तरह मेडिकल का विकास होना चाहिए उस तरह मेडिकल का विकास नहीं हुआ है। सरकार ने मरीजों की संख्या और लोक संख्या के अनुपात से भी विकास करना चाहिए। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।